हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए स्पोर्ट मेडिसिन यानी खेल चिकित्सा शास्त्र से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर के। जैसा कि मेरे चैनल पे फिजिकल एजुकेशन के सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स रिलेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियोज, थ्योरी वीडियोज एंड MCQs एंड प्रीवियस ईयर MCQs हैं। और दोस्तों, आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के सभी थ्योरी वीडियोज को चैप्टर वाइज स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए एंड चैप्टर वाइज MCQs भी प्रैक्टिस कराए गए हैं और प्रीवियस ईयर MCQs भी। एंड डेली बेसिस से मैं आपको प्रैक्टिस भी करा रही हूँ दोनों टाइम। तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी जो है अपनी ऑथेंटिक व्यू से करते रहिए और मेरे साथ भी प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, खेल के दौरान शरीर के अंग पर रगड़ खाने से चोट लगती है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों, उसे कहते हैं एवरेजन। क्या कहते हैं? एवरेजन। नेक्स्ट है, जल जाने पर सबसे पहले क्या उपचार किया जाता है? तो सबसे पहले उस पर ठंडा पानी या बर्फ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है लिगामेंट, जिसे संधि बंधन स्नायु बोलते हैं, लिगामेंट इंजरी में मुख्य रूप से किस प्रकार की चोट लगती है? तो इसमें मुख्य रूप से स्प्रेन लगती है, यानी कि मोच बोलते हैं उसको। दो हड्डियों के जोड़ पर लिगामेंट जो है, दो हड्डियों को जोड़ने का काम करती है, वहाँ पे चोट लगती है, अत्यधिक खिंचाव हो जाता है, चोट लग जाता है, तो स्प्रेन यानी मोच बोला जाता है। अब मांसपेशी और टेंडन में चोट या खिंचाव लगी तो उसे स्ट्रेन बोला जाएगा, यानी खिंचाव। नेक्स्ट है, खेल चिकित्सा शास्त्र में RICE से क्या तात्पर्य है? दोस्तों, तो यहाँ पे R से तात्पर्य है रेस्ट, I से तात्पर्य है आइस यानी बर्फ से मसाज करना, एंड C से कंप्रेशन यानी कि दबाव, E से इलिवेशन यानी कि हृदय की ऊंचाई से ऊपर उठाना, इसे थंब रूल भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, भारत में खेल चिकित्सा शास्त्र से संबंधित कौन सी राष्ट्रीय संस्था है? तो वो है IASM। नेक्स्ट है, खेल के दौरान अचानक पेट के ऊपरी भाग में तीखे दर्द को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है स्टिचेस। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, खेल के दौरान अचानक पेट के ऊपरी भाग में तीखा दर्द पूछे या डायफ्राम में तीखा दर्द पूछे तो वो होगा आपका स्टिचेस। नेक्स्ट है, स्पोंडिलाइटिस नामक चोट शरीर के किस भाग में लगती है? तो वर्टिब्रा यानी कि रीढ़ की हड्डी में लगता है। नेक्स्ट है दोस्तों, मेटाटार्सल हड्डी के स्ट्रेस फ्रैक्चर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मार्च फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है, मेटाटार्सल हड्डी में जब स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है। सबसे पहले जानिए कि स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है। दोस्तों, स्ट्रेस फ्रैक्चर जो है एक ओवर यूज इंजरी है, यह हड्डी या जोर से जुड़ी हुई पेशी या टेंडन के बार बार प्रयोग से हड्डी में बाल यानी लाइन फ्रैक्चर आ जाता है। इसका पता कुछ दिनों बाद उस भंग में, उस अंग में तीव्र दर्द के आभास होने पर लगता है। और मार्च फ्रैक्चर क्या होता है? स्ट्रेस फ्रैक्चर जो होता है वही चीज़ जब टखने में लगता है मेटाटार्सल हड्डी में, तो इसे स्ट्रेस मार्च फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, ये टखने में स्थित मेटाटार्सल हड्डी में स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है तो उसे मार्च फ्रैक्चर बोला जाता है। पैरों के पंजों का ज़्यादा प्रयोग होने से मेटाटार्सल हड्डी में बाल यानी लाइन आ जाता है। और दोस्तों, स्ट्रेस फ्रैक्चर का नाम मार्च फ्रैक्चर कैसे पड़ा? क्या हुआ था कि 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में अधिकतर देशों के सैनिकों के पंजे में यह फ्रैक्चर पाया गया, जिसके कारण उसका नाम मार्च फ्रैक्चर पड़ा। नेक्स्ट है, पानी बाधा दौड़ और बाधा दौड़ के खिलाड़ियों में मुख्य रूप से कौन सी चोट लगती है? तो दोस्तों, पानी बाधा दौड़ और बाधा दौड़ के खिलाड़ियों में ब्रिस्ट हील फ्रैक्चर लगता है, ब्रिस्ट हील फ्रैक्चर नामक चोट लगती है। नेक्स्ट है, एक फुटबॉल खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा चोट कहाँ पे लगती है? तो टखने में लगती है। जैसा कि घुटने में ज़्यादा चोट किसको लगती है? तो फुटबॉल में। और फुटबॉल खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा चोट कहाँ पे लगती है? तो टखने में लगता है, जैसे कि एक दूसरे के टकराते समय बाल को अपने पास लेते समय, उस समय टखने पर ज़्यादा चोट लगता है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रेशर मैनिपुलेशन कहते हैं, प्रेशर मैनिपुलेशन। जैसे कि जो हमारा मसाज है वो चार प्रकार का होता है, स्ट्रोकिंग यानी सहलाना, प्रेशर यानी दबाना, पर्क्यूजन यानी थपथपाना, शेकिंग यानी झकझोरना।
जिसमें से प्रेशर मैनिपुलेशन जो होता है वह तीन प्रकार का होता है, नीडिंग, पेट्रिसाज, फ्रिक्शन। नीडिंग मतलब गुथना, पेट्रिसाज मतलब चुकोटना, एंड फ्रिक्शन मतलब घर्षण। तो यहाँ पे आपका नीडिंग दिया है, ठीक है, उसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों को भोजन की आवश्यकता किसकी प्राप्ति के लिए होती है? तो आप सबको पता है, सभी जीवित प्राणियों को भोजन की आवश्यकता ऊर्जा के लिए होती है और उसी से ऊर्जा बनता है। नेक्स्ट है, संक्रामक रोग है तो मलेरिया जैसे कि आप जानते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्लाज्मोडियम परजीवी से फैलता है और मादा एनाफिलीज मच्छर से काटने से फैलता है। नेक्स्ट है, श्वसन में परेशानी कहलाती है। तो दोस्तों श्वसन में जो परेशानी होती है उसे डाइसोफिया बोला जाता है। नेक्स्ट है, जिला स्तर पर स्वास्थ्य समस्याओं का निराकरण कौन करता है? तो जिला चिकित्सा पदाधिकारी करेगा। नेक्स्ट है, हृदय की आवाज सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है हार्ट रेट को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में है, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, इसकी स्थापना 1948 में हुआ था। नेक्स्ट है, शरीर की मांसपेशियां किसकी कमी से कमजोर हो जाती है? तो पोटेशियम की कमी से हो जाती है कमजोर, क्योंकि तंत्रिकाओं को सूचनाओं को लाने ले जाने का काम करता है पोटेशियम। नेक्स्ट है, क्रोनिक इंजरी का उपचार किसके द्वारा किया जाता है? तो यह अल्ट्रा थेरेपी के द्वारा किया जाता है। जैसे कि दोस्तों अवधि के आधार पर चोटों को तीन भागों में बांटा गया है, एक एक्यूट इंजरी जो 0-12 घंटे तक की नया चोटें होती हैं, एक पोस्ट एक्यूट जो 12-48 घंटे तक की होती हैं, एक क्रोनिक इंजरी जो पुरानी चोटें होती हैं, इसके उपचार के लिए अल्ट्रा थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सूजन को किसके द्वारा कम किया जाता है? तो कंट्रास्ट बाथ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सूजन को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कंट्रास्ट बाथ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, विकृतियों को दूर करने में आजमाई अपनाई जाती है, तो विकृतियों जो हमारी बॉडी पोस्चर डिफी होता है यानी कि जो काइफोसिस, लॉर्डोसिस, फ्लैट फूट ये सब होता है, इन सब को करेक्टिव एक्सरसाइज के द्वारा हम सही कर सकते हैं, जैसा कि मैं पोस्चर डिफॉर्मिटीज में बताई हूँ। नेक्स्ट है, फ्रैक्चर का अर्थ है हड्डी का टूटना। नेक्स्ट है, लंबर गो से क्या तात्पर्य है? तो लंबर गो से तात्पर्य है कमर का दर्द। नेक्स्ट है, कंट्रास्ट बाथ का प्रयोग किस उपचार के लिए किया जाता है? तो यह सूजन को कम करने के लिए कंट्रास्ट बाथ का प्रयोग किया जाता है, इसमें ठंडा और गर्म पानी का प्रयोग किया जाता है, सबसे पहले ठंडा पानी का प्रयोग किया जाता है, ये भी पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अभ्यास के दौरान उल्टी की अनुभूति किसके कारण होती है? तो ये होती है, एक तो अभ्यास के दौरान इलेक्ट्रिक अम्ल अधिक बन जाता है जिससे थकावट होती है, ऊपर से जो एड्रिनल ग्रंथि होती है उसके कारण भी है उल्टी की अनुभूति होती है। नेक्स्ट है, टेनिस एल्बो नामक चोट किस खेल में होती है? तो यह अक्सर टेनिस और बैडमिंटन में टेनिस एल्बो होती है, यह हमारे एल्बो में होता है, ठीक है। ये क्यों होता है? ये कोहनी के पास टेंडन के क्रोनिक रूप से स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि रैकेट गलत तरीके से हिट करने से, अधिक भारी रैकेट के प्रयोग करने से, ओवर साइज ग्रिप करने से, भारी बल बाल का प्रयोग करने से, रैकेट के तारों का टाइट होना, ये सभी कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ्यूलरेज नामक शब्द किससे संबंधित है? तो दोस्तों एफ्यूलरेज जो है वो मालिश से संबंधित है, जैसे स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन के अंतर्गत एफ्यूलरेज आता है, जिसमें क्या किया जाता है कि दूर से हृदय की तरफ मसाज किया जाता है। नेक्स्ट है, टेंडनाइटिस से क्या तात्पर्य है? जो टेंडन में जलन होती है उसे हम टेंडनाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट है, थकान का क्या कारण है? तो आप सबको पता है लैक्टिक एसिड का बनना ही थकान का कारण होता है। नेक्स्ट है, ह्यूमरस हड्डी कहाँ स्थित होती है? तो हाथ में स्थित होती है, बाह में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी के चोट लगने के पश्चात जो स्प्रे लगाया जाता है उसमें कौन सा पदार्थ होता है? तो उसमें इथाइल क्लोराइड और मीथेन गैस होता है। नेक्स्ट है, पुनर्वास के लिए करेक्टिव एक्सरसाइज के अंतर्गत किस प्रकार के व्यायाम आते हैं? तो उसमें दोस्तों आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक,
भौतिक प्रतिरोध, सर्किट ट्रेनिंग, ये सभी प्रकार के एक्सरसाइज आते हैं। नेक्स्ट है ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों जैसा कि ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी तथा गुरुत्वाकर्षण बल का कम होना, हवा का प्रतिरोध कम होना, हवा की डेंसिटी कम होना आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट है ऊंचाई पर लगातार अभ्यास करने से कौन सी क्षमता विकसित होती है। दोस्तों तो यहाँ पे एरोबिक क्षमता, ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता जो होती है वह बढ़ती है हमारे में। स्टेमिना, एंड्योरेंस डेवलप होता है, सहनशीलता डेवलप होता है, जिससे हम अधिक समय तक थकावट को कम कर सकते हैं और एरोबिक क्षमता इसमें डेवलप होता है। नेक्स्ट है गर्म वातावरण में अभ्यास करने से खिलाड़ी को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसमें आपको सामना करना पड़ता है ऊष्मा थकान और ऊष्मा आघात का। नेक्स्ट है ऊष्मा आघात से के क्या लक्षण होते हैं। तो इसमें पूरे शरीर में गर्मी महसूस होता है एंड मांसपेशियों में ऐठन महसूस होता है तथा सिर में और वक्ष में दर्द महसूस होता है ऊष्मा आघात से यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठंडे वातावरण में अभ्यास करने पर शरीर पर क्या गलत प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों उसमें आपका हो जाता है मांसपेशीय तनाव, संकुचन की गति धीमी हो जाती है, मांसपेशी का सख्त होना यानी कठोर हो जाना, क्षतिपूर्ति में देरी होती है रिकवरी में एंड ग्लाइकोजन का संग्रहण कम होता है जिससे सभी क्रियाएं बाधित होती हैं। नेक्स्ट है एक खिलाड़ी द्वारा अपने खेल प्रदर्शन के सुधार के लिए गलत रास्ते या गलत तरीके द्वारा प्रतिबंधित दवाइयों का सेवन करना क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है डोपिंग। यदि आप डोपिंग से रिलेटेड सभी चीज़ें डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के खेल चिकित्सा के प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें डोपिंग के सभी वीडियोज को डिटेल में बताया गया है और आसान तरीके से एक बार आप देख लेंगे सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मसाज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन है दोस्तों वैज्ञानिक तरीके से मालिश को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है। तो इसको चार प्रकार में विभाजित किया गया है। जैसे कि मैंने इसका ट्रिक बनाया है SPPS यानी S से आपका है स्ट्रोकिंग यानी कि सहलाना, P से प्रेशर यानी दबाना, फिर P से आपका परक्यूजन यानी थपथपाना, फिर S से सैकिंग यानी कि झकझोरना, ठीक है, या मिलाना। ये चार प्रकार के आपके मालिश होते हैं जिसमें से जो आपका जो स्ट्रोकिंग है दो प्रकार का होता है एंड जो प्रेशर है वो तीन प्रकार का होता है, नीडिंग, पेट्रिसाज एंड फ्रिक्शन, और जो परक्यूजन थपथपाना हो चार प्रकार का होता है, हैकिंग, क्यूपिंग, बीटिंग, पाउंडिंग एंड जो सेकिंग होता है वो वाइब्रेशन एंड सेकिंग होता है। इस प्रकार से चार प्रकार के मसाज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस मसाज को क्या कहते हैं जिसे मांसपेशियों को दबाकर हृदय की तरफ दबाव डाला जाता है, उसको कहा जाता है स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन या एफिलरेज, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों नीडिंग मसाज कितने प्रकारों में बांटा गया है। जैसा कि दोस्तों प्रेशर मैनिपुलेशन यानी कि जो दबाव की हस्तकौशल विधि है वो तीन प्रकार की होती है, नीडिंग यानी कि गुथना, पेट्रिसाज यानी चिकोटना, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। तो इसमें से जो नीडिंग होता है वो चार प्रकार का होता है, कौन कौन से, स्क्वीजिंग, स्टेशनरी, सर्कुलर, आयरिंग। मसाज वाले वीडियोज को आप देख लीजिए दोस्तों, सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। सभी तरीके से सभी मसाज को आप अच्छे ढंग से एक ही वीडियो में शॉर्ट में एकदम छोटे में मैंने एकदम ट्रिक के साथ बताया हुआ है। नेक्स्ट है प्रेशर मैनिपुलेशन को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो दो तीन प्रकार में दोस्तों, KPF यानी कि नीडिंग, पेट्रिसाज एंड फ्रिक्शन यानी कि गुथना, चिकोटना और घर्षण। नेक्स्ट है पेट्रिसाज मसाज के कितने प्रकार होते हैं। जो पेट्रिसाज होता है, चुकोटना होता है, ये प्रेशर के अंतर्गत आता है, दबाव के अंतर्गत, ये तीन प्रकार के होते हैं, पिकिंग अप, ब्रिंगिंग अप, रोलिंग अप। नेक्स्ट है फ्रिक्शन मसाज के कितने प्रकार हैं। वो दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक ट्रांसवर्स और सर्कुलर। नेक्स्ट है परक्यूजन मैनिपुलेशन के कितने प्रकार है। परक्यूजन यानी कि थपथपाने की जो हस्तकौशल विधि होती है वो चार प्रकार की होती है, वो कौन कौन होती है, हैकिंग, क्यूपिंग, बीटिंग, पाउंडिंग। नेक्स्ट है परक्यूजन मैनिपुलेशन के अंतर्गत कितने प्रकार होते हैं। तो चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन, हैकिंग, क्यूपिंग, बीटिंग, पाउंडिंग। नेक्स्ट है परक्यूजन मैनिपुलेशन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसको टेपोर्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है।
और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथ की हथेली को कप का आकार देकर मसाज करने के तरीकों को क्या कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है क्यूबिंग। नेक्स्ट है हैकिंग मसाज को कितने प्रकार से किया जाता है, दोस्तों ये चार प्रकार से किया जाता है। जो जैसे कि हैकिंग बोलते किसे हैं, हथेली से हल्का हल्का प्रहार करना, ये चार प्रकार से होता है। ये होता है आपका डाइवर्टेज, कन्वर्टेज, लॉन्गिट्यूडनल। डाइवर्टेज मतलब कई बिंदुओं पर प्रहार करना, कन्वर्टेज मतलब एक ही बिंदु पर प्रहार करना, और लॉन्गिट्यूडनल मतलब एक इसमें हाई हैकिंग और सॉफ्ट हैकिंग आता है, धीरे धीरे और हल्का हल्का तेज तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैकिंग मैनिपुलेशन, यानी कि झकझोरना की हस्त कौशल विधि जो होता है उसको कितने प्रकार में बांटा गया है, बोले दो प्रकार में, वाइब्रेशन एंड सैकिंग। नेक्स्ट है मसाज को वैज्ञानिक तरीके से कितने प्रकार में बांटा गया है, तो चार प्रकार में, स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन, प्रेशर मैनिपुलेशन एंड परक्यूजन मैनिपुलेशन एंड सैकिंग मैनिपुलेशन, चार प्रकार में बांटा गया है, यानी सहलाना, दबाना, थपथपाना, झकझोरना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खेल चिकित्सा शास्त्र से रिलेटेड जो भी ऑनलाइन क्वेश्चन से थे, छः वीडियो में आपका समाप्त होता है। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए दोस्तों, और डेली बेसिस से बने रहिए मेरे साथ बेस्ट तैयारी के लिए, चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।